मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और वैसे भी आज आपकी इस अपार भीड़ के जोश व उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी और सपा की अंदरूनी मिलीभगत व इनके सभी घिनौने षड्यंत्र व हथकंडे भी यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएंगे। और ऐसा हो जाने पर फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न्याय, अमन चैन व विकास के अच्छे दिन जरूर वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ प्रदेश में हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व माननीय श्री कांशीराम जी आदि का भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का सपना फिर जरूर साकार होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता खासकर यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल के चाल, चरित्र, चेहरा, नीति व नियत को काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इस संबंध में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। और अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से काफी वर्षों पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता से और अब पिछले कुछ समय से केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। और अपने ऐसे खराब हालातों से थोड़ा उभरने के लिए अब ये पार्टी खासकर यहाँ अपर कास्ट समाज के वोटों के स्वार्थ में इनके गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की भी काफी हवाई बातें कर रही है, जो इनका ये मात्र एक छलावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि इस मामले में वास्तव में कांग्रेस पार्टी की इनके प्रति नियत साफ होती तो ये कार्य केंद्र में इनकी लगभग 54 वर्षों तक, आप लोगों को मालूम है केंद्र में कांग्रेस पार्टी लगभग 54 वर्षों तक सत्ता में रही है। और यदि इनको अपर कास्ट समाज के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, तो इनको आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देना होता तो ये कार्य केंद्र में इनके लगभग 54 वर्षों तक अपनी खुद की रही सरकारों में ही काफी समय पहले किया जा चुका होता। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों के साथ साथ यहाँ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार से संसद के अंदर व बाहर भी लगातार अनुरोध करती रही है, जिस पर केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान भाजपा सरकार ने भी अभी तक इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और अब इसी स्वार्थ में कांग्रेस पार्टी ने अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज की ऐसी महिला को यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसने दिल्ली में अपनी सरकार के दौरान दिल्ली को खराब व गंदा करने के लिए यहाँ रोटी रोजी हेतु आकर बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार ठहरा दिया था। और साथ ही जिसने
दलित विरोधी मानसिकता के चलते अपनी सरकार में वहाँ दलितों के उत्थान के लिए तय किए गए बजट के धन को भी दूसरे मद में ट्रांसफर करवा दिया था। ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी व इनकी सीएम पद की उम्मीदवार को भी यहाँ जल्दी से स्वीकार करने वाली नहीं है। चाहे इसके लिए इस पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना करते रहें। इसके अलावा अब इस पार्टी का किसानों का कर्ज माफ व बिजली का बिल हाफ की भी ये बात जल्दी से यहाँ की जनता के गले के नीचे से उतरने वाली नहीं है। जिसने आज तक देश के अपने किसी भी कांग्रेसी शासित राज्य में ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया है। इसके साथ ही जहाँ तक कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र में रही इनकी सरकार के दौरान देश के किसानों का लगभग 70,000 करोड़ रुपए माफ करने का मामला है, तो इस संबंध में भी मेरा ये कहना है, ये कर्जा देश में अधिकांश यहाँ एयर कंडीशन में बैठने वाले उन बड़े बड़े किसानों का ही माफ किया गया है जिन्होंने केवल बैंकों से ही कर्जा लिया है और साथ ही जिन्होंने एक दिन भी अपने खेतों में जाकर नहीं देखा है। इस सरकार में यहाँ देश के उन छोटे व मध्यम किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्रों के ही बड़े बड़े साहूकारों व जमींदारों से कर्जा लिया है और जिनके तादाद पूरे देश में लगभग 80% है। मायावती के महारैली में लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। मायावती इस वक्त संबोधित कर रही हैं, तकनीकी कारणों से हमें लाइव टेलीकास्ट रोकना पड़ा है, लेकिन आपको बता दें कि मायावती लगातार प्रदेश में जनाधार को मजबूत करने में लगी हुई हैं और उसमें कहीं ना कहीं इस भीड़ की वजह से कामयाब होती हुई भी दिख रही हैं। अम्बेडकर का सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का सपना पूरा होगा, ये तमाम बातें मायावती ने अपने भाषण में कही है। बीजेपी और सपा में मिलीभगत है। सहारनपुर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती इस वक्त लाइव हैं और चाल चरित्र चेहरा और नीयत को पहचानती है बीएसपी। बीजेपी और सपा पर लगातार निशाना साधती हुई अपनी रैली के दौरान मायावती नजर आती हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने क्षेत्र में कामकाज के आधार पर लगभग कई विधायकों के टिकट भी काटे हैं। कई तरह की खबरें निकल कर आ रही है मायावती को लेकर। विकास व जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे पर ही चलकर यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसकी वजह से फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी थी और अब केंद्र में भी इसी नक्शे कदम पर वर्तमान बीजेपी की सरकार चल रही है। और आप लोगों को जिसने लोकसभा आम चुनाव के समय में पूरे देश के हर वर्ग व हर जाति एवं हर धर्म के लोगों के साथ साथ यहाँ गरीबों मजदूरों किसानों कर्मचारियों व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अच्छे दिन लाने के वायदे किए थे वे सपने दिखाए थे, तो अब वे अधिकांश बुरे दिनों में ही तब्दील हो गए हैं। और इस बारे में मैं आप लोगों को ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए तो लोकसभा आम चुनाव के दौरान तो भारतीय जनता पार्टी और इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने तो पूरे देश के कोने कोने में जाकर आपके उत्तर प्रदेश में भी हर चुनावी जनसभा में तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने और श्री नरेंद्र मोदी ने ये वायदा किया था कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी तो फिर देश में गरीब व कमजोर वर्गों को सरकार राशन सस्ता देगी। ये इन्होंने वायदा किया था कि पूरे देश में जो केंद्र की सरकार है
वो राशन सस्ता देगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके उत्तर प्रदेश में, क्या आपके इस क्षेत्र में तो आप लोगों को सस्ता राशन मिल रहा है? क्या गेहूँ, चावल, चीनी, तेल आदि आपको सस्ता मिल रहा है? और अब तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये क्या आप लोगों को, आप लोगों से छिपा है? और इतना ही नहीं, श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी कहा था, बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी कहा था, जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो पूरे देश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं ये आदि सभी सस्ती हो जाएंगी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं या अन्य रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं, क्या वो सस्ती हुई हैं? मैं समझती हूँ नहीं हुई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इन्होंने ये भी कहा था कि पूरे देश में बिजली 24 घंटे मिलेगी। मेरी सरकार में तो जरूर आपको 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है? मेरे ख्याल नहीं मिल रही है। तो बीजेपी और केंद्र की सरकार ने, बीजेपी केंद्र में उन्होंने सत्ता में आने के बाद बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि जब वो पावर में आ जाएंगे तो पूरे देश में, आपके उत्तर से, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिन लोगों के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं हैं, तो उनको पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिस सरकार को बने हुए लगभग दो वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं, क्या आपको एक भी मकान सरकार ने बनाकर दिया है? मैं समझती हूँ नहीं दिया है। बीजेपी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद तो पूरे देश में गरीबी और महंगाई कम हो जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या गरीबी और महंगाई कम हुई है आपके उत्तर प्रदेश में? मैं समझती हूँ नहीं हुई है। श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद पूरे देश में जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्या किसी को रोजगार मिला इस सरकार में? मैं समझती हूँ नहीं मिला है। किसानों को भी कहा था बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने, किसानों के बारे में भी कहा था, जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो किसानों को खेती करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो सस्ती मिलेगी और उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों को सस्ती सुविधाएं मिल रही हैं? क्या किसानों की आय दोगुना हुई है? और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी की सरकार ने तो ये किया केंद्र के में आने के बाद कि जो पहले भूमि अधिग्रहण कानून बना था उसको बदल कर तो किसानों की जमीन औने पौने भाव में खरीद कर बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया, लेकिन हमारी पार्टी ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जिसकी वजह से इस बिल को ये पास नहीं कर पाए। अर्थात अब ये भाजपा सरकार उनके हित, यानी कि आप लोगों के हित व कल्याण के लिए कार्य करने की बजाय अधिकांश की अपनी ताकत देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के हित व कल्याण में ही लगाए हुए हैं, जिनके धन व बल की खास वजह से ही इस बार ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आसीन हुई है। और यही मुख्य वजह है कि अब केंद्र की पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार भी देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का लाखों करोड़ों रुपयों का सरकारी बैंकों से लिया गया कर्ज बहुत ही आसानी से माफ कर देती है। किनका? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और धन्ना सेठ हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए बैंक से लाख दो लाख रुपए
जैसी छोटी धनराशि का कर्ज लेने वाले छोटे किसानों व छोटे कारोबारी लोगों को कर्ज वसूली के लिए इतना ज्यादा परेशान किया जाता है कि फिर वे अधिकांश अपनी आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो जाते हैं। और इसके लिए केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान भाजपा सरकार भी बराबर की कसूरवार व जिम्मेवार है। इसके साथ ही केंद्र की वर्तमान सरकार ने देश में जनहित के नाम पर खासकर जनधन व पेंशन एवं बीमा आदि की जो भी योजनाएं अभी तक शुरू की हैं, तो उनसे भी अधिकांश या अप्रत्यक्ष रूप में देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही देश में करोड़ों अरबों की लागत से बन रही बुलेट ट्रेन जो केवल मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद शहर तक ही चलाई जाएगी, तो उसमें भी अधिकांश यहाँ बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ लोग ही सफर करने वाले हैं, जबकि इस पर खर्च किए जा रहे इतने ही धन से देश में गरीब लोगों के लिए कई और नई ट्रेनें भी चलाई जा सकती थी। और अब इसी मानसिकता के चलते अभी हाल ही में जिन ट्रेनों में यात्रियों का किराया बढ़ा गया है, तो उसमें इन्होंने फर्स्ट एसी जिसमें अधिकांश अमीर व धनवान लोग ही सफर करते हैं, तो उसका किराया इन्होंने नहीं बढ़ाया है, बल्कि उसके नीचे के सभी दर्जों का किराया बढ़ा दिया गया है, जिसमें ज्यादातर देश के गरीब व मध्यम वर्ग के लोग ही सफर करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर का भी लाभ करोड़ों गरीबों, नौजवानों, बेरोजगारों आदि को मिलने की बजाय केवल यहाँ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही मिल रहा है। इस प्रकार से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनहित व जन कल्याण के मामले में घोर विफलता के साथ साथ देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी व व्यापक भ्रष्टाचार आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे कुछ भी जमीनी ठोस कदम नहीं उठाए हैं या कार्य नहीं किए हैं जिसका विशेष संज्ञान लेकर यहाँ की आम जनता उसे सराहे व तारीफ करे। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब देश में इस बार लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था, तो लोकसभा आम चुनाव के दौरान बीजेपी और इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने जगह जगह जाकर ये कहा था पूरे देश के कोने कोने में कि अपने देश का काला धन जो विदेशों में जमा है, तो जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो उस काले धन को 100 दिनों के अंदर वापस लाकर इस देश में हर परिवार में मान लीजिए 5 लोग गरीब हैं, तो पांचों लोगों को 15 से 20 लाख के हिसाब से उनको प्रत्येक मेंबर को दिया जाएगा। ये भी इन्होंने वायदा किया था। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या एक फूटी कौड़ी भी आप लोगों को मिली है? मैं समझती हूँ नहीं मिली है। अर्थात इनका ये खास चुनावी वायदा भी पूरी तरह से खोखला ही साबित हुआ है। और अब तो अपने देश में भी काला धन रखने वाले लोगों को उसे सफेद करने के लिए पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भी विशेष व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के उजागर होने वाले खासकर ललित मोदी व मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला तथा विजय माल्या एवं छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र स्टेट की भाजपा सरकार के हुए घोटाले आदि, ये सभी साबित करते हैं कि बीजेपी में भी कांग्रेस पार्टी की तरह भ्रष्टाचार की जड़ें काफी ज्यादा गहरी हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देश में खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण इन्हें भारतीय संविधान में आरक्षण वे अन्य और जो भी जरूरी सुविधाएं मिली हैं, तो
तो उन्हें भी अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर इनकी समीक्षा करने की आड़ में इन्हें निष्प्रभावी व खत्म करने का भी पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी अब निष्प्रभावी बना दिया गया है। और इस बारे में यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो उस दौरान केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो पदोन्नति में आरक्षण का मामला कुछ लोग इसके खिलाफ गए तो लोअर कोर्ट से के बाद जो पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ थे वो लोग फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने उस समय केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी उन्होंने पार्टी बनाया था। लेकिन दुख की बात यह है कि उस समय केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो पदोन्नति में आरक्षण के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी नहीं की, अच्छे वकील नहीं किए, जिसके कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके पदोन्नति में आरक्षण में कुछ ऐसी शर्तें लगा दी जिससे आपका पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला था ये पूरे तौर से निष्प्रभावी बन गया। तो उसके बाद फिर हमारी पार्टी ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और इसको संसद के दोनों सदन में पिछली कांग्रेस की सरकार के समय में पार्लियामेंट के दोनों सदन में इस मामले को जोरदार तरीके से हमारी पार्टी ने उठाया। राज्यसभा में काफी इसके लिए संघर्ष किया गया, तब जाकर तो पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में तो संवैधानिक संशोधन विधेयक पास हो गया, पदोन्नति में जो आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया था इसको प्रभावी बनाने के लिए। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की मिलीभगत के कारण ये बिल पास नहीं हो सका। और इतना ही नहीं, अब केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है लेकिन दुख की बात यह है कि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों का जो आरक्षण का कोटा है तो वो भी वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो तब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार के जो बड़े बड़े कार्य हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है और प्राइवेट सेक्टर को देने की वजह से आपका जो आरक्षण जो आपको थोड़ा घना मिल रहा था तो वो भी अब कम हो गया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर आपके आरक्षण को भी इन्होंने कम करने का एक प्लान बनाया हुआ है। और इन सब से भी इनकी दलित वे आदिवासी अब हम अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता साफ झलकती है। इसके साथ ही देश में खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो इन वर्गों के प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता के कारण अब इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न हो रहा है। और इस मामले में दलित छात्र रोहित बेमूला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व यहाँ आज के उत्तर प्रदेश का भी दया शंकर सिंह कांड आदि इसके खास उदाहरण है। ऐसे हालातों में वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा किए जाने से वे कुछ मौकों पर कांग्रेस पार्टी की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनका खाना आदि खाने से भी इनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न खत्म होने वाला नहीं है। और अब इन वर्गों के लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और इन सब मामलों में अब ये लोग
भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनके जो मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। अर्थात अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ संविधान में खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि के जो भी इन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उनको अब ये लोग वास्तव में या जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें अभी तक भी इन वर्गों के लोगों को यहाँ आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी कोई खास सफलता नहीं मिली है। और जहाँ तक देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की अधिकांश मामलों में आए दिन खराब व दयनीय हो रही स्थिति का सवाल है, तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब से केंद्र में खासकर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से लेकर अब तक पूरे देश में तो मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हर स्तर पर अब पहले से भी कहीं ज्यादा सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तो अब इन्होंने ताला लगा के रख दिया है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में बने रहते हैं। इसके साथ साथ इस समय पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से अब आए दिन इन लोगों के ऊपर यहाँ गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति, हिंदू संस्कृति व हिंदू राष्ट्र बनाने एवं धर्म परिवर्तन आदि की आड़ में भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि खासकर गोरक्षा के नाम पर तो आप लोगों को मालूम है कि पहले पूरे देश में केंद्र में जब से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो पूरे देश में पहले गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों के ऊपर बड़े पैमाने पर जुर्म जाति की गई। इसकी आड़ में जो पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको जुर्म जाति का शिकार बनाया गया। और उसके बाद तो फिर दलित वर्ग के लोगों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ऊना कांड आप लोगों के सामने है, दादरी कांड और गुजरात का ऊना कांड, उत्तर प्रदेश का दादरी कांड और गुजरात का ऊना कांड तो आप लोगों के सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। और इतना ही नहीं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके सहारनपुर से ही हरियाणा प्रदेश लगा है। और पिछले कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तो मेवात में मुस्लिम समाज के लोगों की काफी बड़ी तादाद है, और वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बिरयानी की आड़ में तो बड़े पैमाने पर उनको जुर्म जाति का शिकार बनाया जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब यहाँ खासकर मुस्लिम समाज के आम लोगों को भी जो शक की नजरों से देखा जा रहा है, तो ये सब देश हित में ठीक नहीं हो रहा है। और इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है, लेकिन इन सबसे या इनकी सरकार का सबका साथ व सबका विकास का भी असली रूप देखने के लिए जरूर मिलता है। इस प्रकार केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपने अब तक के 2 वर्षों से अधिक के हुए कार्यकाल में अपनी इन सब कमियों व विफलताओं की वजह से देश की जनता को काफी ज्यादा निराश किया है। इसके साथ ही बीजेपी के बारे में खासकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी लेकर मेरा ये कहना है, जब केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की भी कानून व्यवस्था को
ठीक ढंग से नहीं संभाल सकती है तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले अपने उत्तर प्रदेश की अब वर्तमान में ऑक्सीजन पर चल रही खराब कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। इसके अलावा जहाँ तक उत्तर प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार की चल रही गलत नीतियों व गलत कार्यशैली का सवाल है तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि वैसे तो सपा की सरकार प्रदेश में खासकर अपराध अराजकता व सांप्रदायिकता के लिए ही आम जानी जाती है, परंतु इस बार सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की वजह से अब यहाँ पूरे प्रदेश में गुंडों बदमाशों माफियाओं भ्रष्टाचारियों अराजक अपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों के मनोबल काफी ज्यादा आसमान तक पहुँचे हुए हैं, जिसके कारण प्रदेश में चोरी डकैती हत्या लूटमार फिरौती अपहरण महिला उत्पीड़न गुंडा टैक्स एवं सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी हैं और इस मामले में खासकर मुजफ्फरनगर कांड दादरी कांड मथुरा व बुलंदशहर कांड को तो कदापि नहीं भुलाया जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि अभी सरकार में सपा व बीजेपी के ताकतवर नेताओं की भैंसे व कुत्ते आदि तो जरूर खोज लिए जाते हैं, जिसकी प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जुल्म जाति के शिकार लोगों के अपराधियों को खोजना यहाँ के मुख्यमंत्री को काफी ज्यादा मुश्किल पड़ता है, ये भी सोचने की बात है। अर्थात जिस सरकार में इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता हो तो उससे फिर आप लोग कैसी सरकार बोलेंगे, जंगली सरकार। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने ही उनका एक बड़ भोला वरिष्ठ मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उंगली को लेकर उनका अपमान करें और वे चुप्पी साधे रहे मुख्यमंत्री के सामने, तो इनकी सरकार का एक बड़ बोला वरिष्ठ मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उंगली को लेकर उनका अपमान करें और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहे तो इससे ये बात भी काफी हद तक जाहिर हो जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान खुद इनकी शह पर ही यानी कि मुख्यमंत्री की शह पर ही किया गया है, जबकि इन दोनों को ये मालूम होना चाहिए सपा सरकार का जो वरिष्ठ मंत्री जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो कुछ बोला है उनको ये मालूम होना चाहिए आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग थोड़े घने सुरक्षित हैं तो ये देन केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है, किसी और की नहीं। मैं मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब देश का संविधान बनाया तो सभी धर्मों को ध्यान में रखकर बनाया, धर्म निरपेक्षता के आधार पर देश का संविधान बनाया, जिसकी वजह से आज मुस्लिम समाज के लोग आज थोड़े घने जो सुरक्षित हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हैं। इस बात को भी ध्यान में रखकर तो सपा सरकार के मंत्री को ये बात कहनी चाहिए थी। इसी प्रकार सपा मुखिया व वर्तमान मुख्यमंत्री ने एवं उनके पूरे खानदान ने भी आज जो कुछ भी यहाँ राजनीति व आर्थिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है तो ये सब भी वास्तव में यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है, वरना ये लोग अपने इटावा व सफाई में ही रहकर वहाँ के बड़े बड़े जमींदारों व सामंतवादी लोगों के ही
खेत खलियानों में उनकी गायें व भैंसे आदि चराते हुए ही हमें नजर आते। ऐसी स्थिति में अब यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान होना व उत्तर प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता का न्याय व अमन चैन के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और अभी समय पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, और खासकर प्रदेश में हमारी महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता तो जिस दिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं की अस्मतें ना लूटी जाती हों। अर्थात अब वर्तमान सपा सरकार में महिलाओं का तो यहाँ बहुत बुरा हाल है। ऐसे हालातों में अब यहाँ प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं बल्कि अराजक व आपराधिक तत्वों का ही जंगल राज चल रहा है, जिसका अब यहाँ विकास के कार्यों पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सपा सरकार में विकास के अभी तक जो भी कुछ कार्य हुए हैं तो उनमें से अधिकतर यहाँ बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्यों की बीएसपी सरकार में ही शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे खराब हालातों में भी केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह अब वर्तमान भाजपा सरकार का भी खामोश बने रहना, तो ये सब इनकी अपनी विफलताओं व अंदरूनी मिली भगत को ही काफी कुछ दर्शाता है, जिसे गंभीरता से लेते हुए अब उत्तर प्रदेश की जनता को यहाँ आगामी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में प्रदेश व जनहित में यहाँ सपा के साथ साथ कांग्रेस व बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। और इसके साथ ही अब यहाँ उत्तर प्रदेश में जनहित व जन कल्याण की अर्थात बीएसपी की सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की ही सरकार बनानी होगी। और वैसे भी आप लोग ये जानते हैं कि बीएसपी का सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय का ये एक नारा मात्र नहीं है बल्कि ये हमारी पार्टी की मूल नीति व सिद्धांत भी है, जिसके आधार पर चलकर हमने अपनी पार्टी का संगठन भी पार्टी का संगठन ही नहीं बल्कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी कई बार सरकार भी चलाकर दिखाई है। इसके साथ ही इसी नीति व सिद्धांत के आधार पर चलकर ही हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल में यहाँ किसानों मजदूरों कर्मचारियों व्यापारियों व अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ यहाँ खासकर गरीबों दलितों पिछड़ों मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के हितों का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। अर्थात अब बीएसपी में बहुजन समाज का नहीं बल्कि सर्व समाज का हित निहित है, लेकिन ये सब विरोधी पार्टियों को के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब ये लोग बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए किस्म किस्म के घिनौने षड्यंत्र व हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस संबंध में कुछ कहने से पहले मैं बीएसपी के बारे में ये भी कहना चाहती हूँ कि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशनरी मूवमेंट भी है, जिनके कार्यकर्ताओं या उनके समाज को बीएसपी की मिशनरी मूवमेंट से जोड़कर उन्हें इस प्रकार से ना बिकने वाला समाज के रूप में तैयार किया जाता है। यदि किसी भी समाज का पार्टी से जुड़ा बड़ा नेता भी अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वार्थ में किसी भी विरोधी पार्टी के हाथों में चला जाता है तो फिर वह व्यक्ति अधिकांश अकेला ही जाता है, किंतु उसके साथ में उसका खुद का अपना समाज नहीं जाता है, और फिर उसका समाज उसके स्थान पर अपना नया नेता तैयार करके पार्टी में आगे बढ़ जाता है। और इस बात के मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी व उनके देहांत के बाद भी ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। और इसका उत्तर प्रदेश से जुड़ा ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में टिकट को लेकर यहाँ कुछ लोग अपने परिवार के मोह में व व्यक्तिगत स्वार्थ में जो बीएसपी को छोड़कर गए हैं या निकाल दिए गए हैं, तो अब वे लोग विरोधी पार्टियों से
अपने विरोधी पार्टियों से अपने टिकट लेने के स्वार्थ में उन्हें खुश करने के लिए आए दिन यहाँ बीएसपी के ऊपर खासकर टिकट बेचने का गलत व झूठा आरोप लगाते रहते हैं, जबकि इस किस्म के लोग अकेले हमारी पार्टी में ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों में भी जरूर देखने के लिए मिलेंगे। किंतु मीडिया में इसके प्रचार व प्रसार के मामले में फर्क केवल इतना ही है कि मीडिया के लोग दूसरी पार्टियों पर लगे ऐसे आरोपों को एक या दो दिन ही खबरों में चलाकर उसे दरकिनार कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया में कुछ दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग खासकर बीएसपी के मामले में अपना दोहरा मापदंड अपनाते हुए इस किस्म की खबरों को अधिकांश यहाँ चुनाव होने तक भी दिखाते रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि टिकट ना मिलने की स्थिति में जब विरोधी पार्टियों के लोग अपने नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगाते हैं तो तब फिर ये लोग अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूर्ण रूप से गलत व झूठा बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही विरोधी लोग बीएसपी के ऊपर लगे इस किस्म के गलत व झूठे आरोपों को सही बताते हैं। तो इससे भी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति ये दोहरी मानसिकता साफ नजर आती है। इसके साथ साथ सावधानी के तौर पर यह मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय से एक तरफ तो विरोधी पार्टियों के लोग खासकर बीएसपी के बारे में इस बात का काफी गलत प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत ठीक नहीं है, बीएसपी में भगदड़ मची है, लोग आए दिन एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इस किस्म का प्रचार विरोधी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यही विरोधी लोग बीएसपी के संबंध में ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी के टिकट बेचे जा रहे हैं और एक एक सीट पर टिकट के लिए कई कई करोड़ रुपए भी लिए जा रहे हैं, जबकि इसमें कतई भी सच्चाई नहीं है। किंतु फिर भी इस बारे में मैं इन विरोधी पार्टियों के लोगों से ये बात जरूर पूछना चाहती हूँ कि जब विरोधी पार्टियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत ठीक नहीं है, बीएसपी में भगदड़ मची हुई है, लोग आए दिन एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो तब फिर ऐसी खराब स्थिति में यहाँ बीएसपी का भला टिकट कौन खरीद पाएगा? यह मैं विरोधी पार्टी के लोगों से पूछना चाहती हूँ। शायद इसका ये लोग कभी भी आसानी से जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी इनके इस विरोधाभास कथन से ये बात तो जरूर यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों को काफी पीछे छोड़कर या काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। चाहे इस चुनाव में खासकर बीजेपी के लोग अपनी पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे से या अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के जरिए सर्वे कराने वाली एजेंसियों को मैनेज करके वे उनके ओपिनियन पोल आदि में भी यहाँ बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से जबरन क्यों ना फर्जी दिखाते रहे, और साथ ही इसी सर्वे में ये लोग केंद्र की अपनी सरकार के कार्यों को भी जबरदस्ती ज्यादा नंबर क्यों ना दिखाते रहे। और वैसे भी इनका ये ड्रामा प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने तक किसी न किसी रूप में जरूर चलता रहेगा, जिससे प्रदेश की जनता को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देश व राज्यों में आजकल जितने भी छोटे बड़े अखबार व चैनल आदि चल रहे हैं तो उन पर ज्यादातर धन व पैसा यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही लगा होने के कारण अधिकांश नियंत्रण फिर उन्हीं का ही होता है, और फिर ये लोग अपने अपने आर्थिक लाभ के लिए जिन भी पार्टियों से जुड़े होते हैं तो चुनाव में उन्हीं पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए फिर ये इन अखबारों चैनलों व सर्वे कराने वाली एजेंसियों व कंपनियों आदि का भी उनके पक्ष में ही खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीएसपी जैसी जो भी पार्टी यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अपनी दूरी बना के रखती है और सरकार बनने पर
उन्हें कोई भी अनुचित लाभ आदि नहीं पहुंचाती है तो फिर ये पूंजीपति व धन्ना सेठ लोग दुखी होकर बीएसपी जैसी उस पार्टी को चुनाव में राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ अखबारों चैनलों व सर्वे आदि का काफी ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। और इस बात का खास उदाहरण सन 2007 में उत्तर प्रदेश का हुआ विधानसभा आम चुनाव है, जिसमें उस समय उनके अधिकांश अखबारों व चैनलों व सर्वे आदि की रिपोर्ट में बीएसपी को सन 2007 में तीसरे व चौथे नंबर की ही पार्टी बताया गया था। लेकिन जब नतीजा आया तो उस चुनाव में बीएसपी नंबर वन की पूर्ण बहुमत की पार्टी बनकर उभरी थी। तो सन 2007 में तब उस समय उच्च साथ में उस समय चुनाव में बीएसपी नंबर वन की पूर्ण बहुमत की पार्टी बनकर उभरी थी। इसे भी ध्यान में रखकर अब प्रदेश की जनता को खासकर बीएसपी के मामले में यहाँ पर्दे के पीछे से बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के जरिए मीडिया व सर्वे आदि में आए दिन बीएसपी को नुकसान पहुंचाने वाली इनकी इस किस्म की सभी खबरों व रिपोर्ट से जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा आम चुनाव को लेकर शुरू में आज से कुछ महीने पहले मीडिया ने जिन एजेंसियों व कंपनियों के सर्वे में बीएसपी को नंबर वन की पार्टी बताया था तो उसके पीछे भी वास्तव में यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की बहुत बड़ी साजिश ये थी ताकि इससे फिर बीएसपी के लोग जोश में आकर थोड़े ढीले पड़ जाएं और फिर उनसे जुड़ी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को थोड़ा और मजबूत बनने का मौका मिल जाए। इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता को खासकर बीएसपी के मामले में अखबारों चैनलों व सर्वे आदि की रिपोर्ट में आए दिन दर्शाई व बताई जाने वाली इनकी षड्यंत्र से जुड़ी इस किस्म की सभी खबरों से सावधान रहना है। इसके अलावा अब ये विरोधी लोग तिलक तराजू व तलवार वाले नारे को भी फिर से जबरन बीएसपी के ऊपर थोप कर यहाँ प्रदेश में खासकर अपर कास्ट समाज के लोगों को गुमराह करने का भी पूरा पूरा प्रयास कर सकते हैं ताकि चुनाव में फिर बीएसपी को अपर कास्ट समाज के लोगों का वोट ना पड़ सके, जबकि इस नारे में कतई भी सच्चाई नहीं है। और इस बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि हमारी पार्टी की अपर कास्ट समाज के प्रति ऐसी कुछ भी गलत सोच व धारणा होती तो फिर हमारी पार्टी अपर कास्ट समाज के लोगों को भी अपनी पार्टी के संगठन में उच्च स्थानों पर भला क्यों रखती और साथ ही इन वर्गों के लोगों को अपनी पार्टी से एमपी एमएलए एमएलसी व सरकार बनने पर मंत्री व विधान परिषद का चेयरमैन आदि भी भला क्यों बनाती। इसे भी ध्यान में रखकर अपर कास्ट समाज के लोगों को गुमराह नहीं होना है। और इसी प्रकार अभी हाल ही में सपा के एक बड़बोले वरिष्ठ मंत्री ने माननीय श्री कांशीराम जी के बारे में ये कहा, अभी हाल ही में उन्होंने ये कहा माननीय कांशीराम जी के बारे में कि माननीय कांशीराम जी ये कहते थे जब वो जीवित थे कि यदि उत्तर प्रदेश में बीएसपी पावर में आती है तो फिर अयोध्या में तो बाबरी मस्जिद को के स्थान पर शौचालय बना दिया जाएगा। ये अभी सपा के एक बड़बोले मंत्री ने ये कहा, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की एक बार नहीं चार बार सरकार बनी है और चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। यदि हमारी पार्टी को ऐसा कुछ करना होता तो अब तक हमारी पार्टी ऐसा जरूर कर देती, लेकिन हमारी पार्टी की ओर से ना हमारी पार्टी ने कभी कहा ना माननीय श्री कांशीराम जी ने अपने जीते जी ये बात कभी नहीं कही कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर शौचालय बनाया जाएगा। ये माननीय कांशीराम जी ने कभी नहीं कहा, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस बात का गलत प्रचार किया ताकि मुस्लिम समाज के लोग बीएसपी से ना जुड़ जाए। मुझे ये भी बताया गया कि सपा के इसी बड़बोले मंत्री ने ये भी कहा
खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए कि फैजाबाद में एक अकबर शहर है, अकबर के नाम से एक शहर है, बीएसपी की सरकार ने उसको बदल दिया है। मैं उस बड़बोले मंत्री को ये बताना चाहती हूँ कि आप अभी भी उधर डॉक्टर अंबेडकर नगर जिले में जाकर देखें तो अकबरपुर शहर का नाम नहीं बदला गया है। और इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने तक बीजेपी के पूर्व प्रदेश पदाधिकारी दया शंकर सिंह की तरह ही यहाँ विरोधियों द्वारा कभी भी मेरे खिलाफ और भी आपत्तिजनक व शर्मनाक बातें कही जा सकती हैं, जिन पर बीएसपी के लोगों को कतई भी भड़कना नहीं है, अर्थात अपना संयम बना के रखना है, और जिनका जवाब फिर बीएसपी की सरकार बनने पर इस किस्म के लोगों को सख्त कानून के तहत जरूर दिया जाएगा। और वैसे भी अपने लोगों को ऐसे विरोधी लोगों के द्वारा बीएसपी के सर्वोच्च नेतृत्व के प्रति कही जाने वाली उनकी अनाप शनाप भाषा वे आरोपों को उस कहावत की तरह ही मानकर चलना चाहिए जैसे आसमान पर थूकने से अपना खुद का ही चेहरा गंदा होता है और फिर आसमान पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात वे अपनी जगह ऊंचाइयों पर ही बना रहता है। इसके साथ ही केंद्र की बीजेपी व उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार अपनी कमियों व विफलताओं पर से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए यहाँ प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले या चुनाव के दौरान भी अब ये दोनों पार्टियाँ अपनी अंदरूनी मिली भगत से या षड्यंत्र के तहत किसी भी मुद्दे पर अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भी करवा सकती है। हालांकि इस बारे में ये बात भी सर्वविदित है कि जब भी देश में कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो तब उसमें अधिकांश वह हिंदू व मुस्लिम समाज के गरीब व आम लोगों का ही जानी माली नुकसान होता है, और फिर षड्यंत्र के तहत वह दंगा कराने वाले नेता दूर खड़े होकर उनकी तबाही व बर्बादी का तमाशा देखते हैं, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी, तथा इसकी आड़ में फिर घिनौनी राजनीति करते हैं। इसे भी ध्यान में रखकर यहाँ प्रदेश के हिंदू व मुस्लिम समाज के लोगों को जरूर सावधान रहना है, जबकि यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में भी इन दंगों की आड़ में राजनीति करने के मामले में सपा व भाजपा के साथ साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रही है, जिनके अर्थात कांग्रेस पार्टी के ही शासनकाल में यहाँ खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सन 1980 में हुआ मुरादाबाद का भीषण दंगा कांड, वह सन 1987 में हुआ मेरठ का हाशिमपुरा मलियाना दंगा कांड के साथ साथ सन 1988 में मुजफ्फरनगर एवं सन 1989 में हुए बदायूं के सांप्रदायिक दंगों को तो खास तौर से यहाँ मुस्लिम समाज के लोग कतई भी भुला सकते नहीं हैं, जिसमें इनका काफी ज्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। और अब सपा व बीजेपी की मिली भगत से वर्तमान सपा सरकार में भी हुए मुजफ्फरनगर व दादरी कांड आदि को भी यहाँ मुस्लिम समाज के लोग कदापि भुला नहीं सकते हैं, जिसमें पीड़ित परिवार के लोगों को अभी तक भी न्याय नहीं मिला है, और अब तो दादरी कांड के पीड़ित परिवार को ही फंसाने का पूरा प्रयास चल रहा है, और अपनी इन कमियों पर पर्दा डालने के लिए अब सपा सरकार यहाँ आपके सहारनपुर में उर्दू दरवाजा बनवाने के साथ साथ प्रदेश के अन्य और जिलों में भी ऐसे हजारों उर्दू दरवाजे क्यों भी ना बनवा दें, तो मैं समझती हूँ कि तो भी मुस्लिम समाज के लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही
देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होने के बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये दंगे होते नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ में ये दंगे कराए जाते हैं। और इस मामले में अपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा व बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। और इस संबंध में यहाँ मैं खासकर उत्तर प्रदेश से जुड़े अयोध्या प्रकरण के बारे में ये बात जरूर कहना चाहती हूँ। अयोध्या प्रकरण को लेकर तो उत्तर प्रदेश में तो कई बार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लेकिन अयोध्या में, फैजाबाद जिले में, अयोध्या में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं या इसकी आड़ में पूरे उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तो उसकी असली जड़ कांग्रेस पार्टी है। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में वहाँ पर बाबरी मस्जिद का वहाँ पर ताला खुलवाया, जिसके बाद ये प्रॉब्लम पैदा हुई। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में तो सपा की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो अयोध्या प्रकरण की आड़ में तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय दंगे कराए। सपा की सरकार में जब श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इसी अयोध्या प्रकरण की आड़ में पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हुए, और जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ये भी मुसलमानों को नहीं भूलना चाहिए। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आप लोगों को मालूम है कि जब केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो उस समय फिर से अयोध्या प्रकरण को लेकर तो पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हुए, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। यदि सरकार चाहती तो दंगे होने से पहले तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। जब पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर तबाह बर्बाद हो गए, तब जाकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसी अयोध्या प्रकरण के मामले में और इसी अयोध्या प्रकरण के बारे में मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में पिछली बार मेरे नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इसी अयोध्या प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट में जजमेंट आना था। जब हाई कोर्ट में जजमेंट आना था तो पूरे देश के अंदर तो दहशत का माहौल पैदा हो गया था। जब ये जजमेंट आना था मेरी सरकार में और पूरे देश के अंदर, तो जिस दिन जजमेंट आना था तो पूरे देश के अंदर स्कूल, कॉलेज, बाजार, सरकारी दफ्तर सब बंद कर दिए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ से मामला जुड़ा था अयोध्या का और जहाँ यह उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट बेंच को जजमेंट देना था, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था मेरी हुकूमत में इस अयोध्या प्रकरण को लेकर, जिस दिन जजमेंट आना था मैंने कोई कॉलेज स्कूल बंद होने नहीं दिए, मैंने सरकारी दफ्तर बंद नहीं होने दिए, मैंने बाजार बंद नहीं होने दिए, और लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने जो भी जजमेंट दिया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने इस अयोध्या प्रकरण को लेकर कहीं पर भी दंगा नहीं होने दिया था, और ये भी किसी से छिपा नहीं है। जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, हमने स्पेशल फोर्स मांगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमको फोर्स नहीं दी। हमारे पास जो छोटे मोटे साधन थे उसी से ही हमने उत्तर प्रदेश में अमन चैन को कायम रखा। और मैं मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, केंद्र में चाहे बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही हो, लेकिन ये मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है। हमारी पार्टी कटिबद्ध है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है हमारी पार्टी अयोध्या में कोई भी जबरन काम उधर नहीं होने देगी। ऐसे हालातों में यह मुस्लिम समाज के लोग